हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं चतरा के टीकर पंचायत में। जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ ये देखिए आप, एक पोस्टर लगाया गया है, रोड नहीं तो वोट नहीं, जितनी सड़क बनाना होगा बनाना होगा, अफसर नेता जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, जितनी सड़क की पक्कीकरण क्यों नहीं, नेता अफसर जवाब दो जवाब दो, ये पोस्टर में लिखा गया है। हम टीकर पंचायत के टीकर गांव में हैं और हम यहाँ की जनता से ही जानते हैं कि आखिर उन्हें ये पोस्टर लगाने की नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों उन्होंने इस पोस्टर को लगाया, जबकि रघुवर दास सरकार दावा करती है कि झारखंड में विकास की गंगा बहती है, झारखंड का स्वर्णिम विकास हुआ है। और हम यहाँ से इस बार के विधानसभा चुनाव में 65 सीट जीत रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो चतरा सदर में मौजूद होने के बावजूद विकास से कोसों दूर है और वहाँ की जनता विकास के नाम पर कुछ नहीं जानती और विकास वहाँ से कोसों दूर है, दूर दूर तक कहीं विकास नहीं दिखता। ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोग पिछले कई सालों से विकास को ढूंढ रहे हैं, रघुवर दास जी के विकास को ढूंढ रहे हैं, मोदी जी को विकास को ढूंढ रहे हैं, लेकिन विकास उन्हें आज तक नहीं मिला। ये बताइए कि आप लोगों ने जो ये पोस्टर लगाया है, आखिर क्या वजह है कि ये पोस्टर लगानी पड़ गई? जे ये ऐतिहासिक रोड है, जितनी मोड़ से पथलगड्डा मार्ग तक है, मुख्यालय जुड़ा हुआ है और आज वर्षों से रोड इतना खराब है कि लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट हो रही है, समझे ना। ऐतिहासिक रोड है और हम लोग बारम्बार यहाँ के विधायक से, सांसद से, सभी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस रोड के अभिलंब का काम करें ताकि हम लोग जनता का आने जाने में सुविधा हो। बहुत तरह का ऐसा घटनाएं हुई है कि समय पे गाड़ी नहीं आ पाया है। समय पे एक ऐसा घटना हुआ था फिलहाल में, आज से एक दो साल पहले, कि आग लग गया था जो गाड़ी समय पे नहीं पहुंच पाए थे रोड के चलते, इसमें एक आदमी का मौत भी हो गया था, एक आदमी की मौत हो गई थी। ये बताइए कि हमें एक ग्रामीण अभी कोई बोल रहे थे कि पिछले 37 साल से वो जिस हालत में रोड को देख रहे हैं उसी हालत में वो रोड है। आखिर क्या वजह है कि रघुवर दास सरकार एक तरफ दावा करती है कि झारखंड में चौतरफा विकास हुआ है, आप लोग की पंचायत तक विकास नहीं पहुंचा? जी, हम लोग को रोड में विकास नहीं हुई है, रोड बहुत जर्जर स्थिति में है और जर्जर स्थिति में देखने का चीज़ है। हम लोग एक सिफा गलत नहीं बोल रहे हैं, हम लोग रोड देखने का चीज़ है कि एक चतरा से मतलब अभी हमारा समर न्यायालय से 5 किलोमीटर के अंदर में रोड है और यहाँ से लोगों निकलते हैं चतरा जाने के लिए तो कम से कम 2-3 घंटा समय विलम्ब होता है, जबकि 5 से 10 मिनट का रास्ता है। रोड नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र का विकास नथिंग नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ बताएं कि जब अभी वोट देने का आपको मौका मिलेगा तो किन बातों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इस रोड में अभिलंब तुरंत काम चालू हो, जो इस जनता का मांग है कि काम चालू हो शीघ्र, चाहे डीसी साहब करवाएं या जो पार्टी काम करवाएं, हम लोग उसी को वोट देंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं, पूरे जनता का ये कहना है कि हम लोग रोड का काम देखना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत दिक्कत है, सारे जनता है, सभी लोगों से पूछिए। अभी तो चुनाव आचार संहिता है, अभी तो आपकी रोड बनेगी नहीं। ये बताइए कि अभी जब वोट देने की बारी आएगी तो आप लोग वोट डालेंगे कि नहीं? अभी हम लोग भविष्यकार किए हुए हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग इतिहास आज से 35-40 साल से रोड ये ख़राब है और अभी तक हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है, हमारा जनता गरीब जनता हम लोग हैं और हम लोग को आने जाने में बच्चा शिक्षा में दिक्कत हो रही है, तो फिर हम लोग वोट किस लिए दें? सरकार को वोट क्यों हम लोग दे करके उसको बनावें सरकार? अगर हमारा
हमारा कहना है कि हम लोग के सुविधा नहीं मिल रहा है, रोड बिजली उजली आई है उसके लिए हम लोग खुश हैं, लेकिन रोड अभी तक हमारा ये बार बार हम लोग दिए हैं लेटर, हम लोग धरना भी रोड के विषय में दिए हैं कि रोड बनाया जाए, रोड के लिए बहुत दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है, लेकिन रोड नहीं बना अभी तक, कोई ना कोई विधायक सुनगुनाया है ना कोई सांसद सुनगुनाया है। रोड नहीं बना पिछले 35 सालों से 37 सालों से विकास का दावा करने वाली रघुवर सरकार की ये हकीकत है। आप बताइए कि ये जो पथलगड्ढा रोड है, जितनी मोड़ वाली जो रोड है, आप कब से देख रहे हैं कि वो रोड नहीं बनी? सर जब हम पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं इसी तरह, कभी इसको पीछे नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। हाँ, और क्या कहें इससे ज़्यादा, रोड तो देखिए आपको ले कर आ रहे हैं चतरा से, देखिए कि क्या हाल है रोड का। ये बताएं कि अभी जब वोट का मौसम है, अभी आप विधानसभा के लिए वोट डालेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे, तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो आपको वोट को प्रभावित करेगा? जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमको कोई चीज़ का सुविधा नहीं है फिर वोट किस चीज़ का हम लोग करें? रोड का केवल सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, बाकी बात तो किसी तरह हम लोग बच्चा सुबह सुबह लेके जाते हैं तो पता चला 5 मिनट 10 मिनट स्कूल ले जाने में लेट हो जा रहा है बच्चा का, परेशानी यही सब रोड का है और क्या बोला जाए ज़्यादा। वोट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, जब बहिष्कार हो गया है यहाँ पंचायत का, जब यही है ये है तो बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा। आप बताइए कि आप इस बार वोट नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्यों डालेंगे? अभी तक जब कुछ मुद्दा ही आया नहीं हम लोग का, जो सेवा जो होना चाहिए, मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए हम लोग को, अभी तक कोई सुविधा ऐसा जो नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं। ये रघुवर सरकार केवल ढोंगसला है, अभी तक आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहा है हम लोग को, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन रघुवर सरकार तो ये दावा करती है कि वो इस बार 65 सीट जीतेंगे, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही काम किया है और जो झारखंड है वहाँ विकास की गंगा बह रही है, सभी प्रदेशों से, देश के सभी प्रदेशों से आगे है। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र से मोदी सरकार भी बोलती है कि विकास देखना है तो झारखंड जाइए, लेकिन बिल्कुल यहाँ अगर झारखंड आए तो अपने से मोदी जी आके देखे इस रोड को कि क्या झारखंड में क्या सुविधा मूलभूत मिल रही है, ये तो देखने का चीज़ है, एक बार आइए तो सही, केवल आते हैं आश्वासन पे देके चले जाते हैं, आज ये है रेल है तो फलना आ जाएगा ढीलना आ जाएगा, लेकिन देखने का तो कुछ भी नहीं मिलता हम लोग को। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल, झूठे ढोंगस्ता सरकार है, माने तो हम केंद्र में जहाँ तक है ठीक है अच्छी बात है, लेकिन राज्य में तो बिल्कुल नहीं है, रघुवर सरकार ये कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही है। आप बताएं आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? पहले रोड उसका बाद वोट। हाँ, पहले रोड बने उसका बाद वोट मिलेगा, इसका अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रघुवर सरकार के काम काज से खुश हैं या नहीं? नहीं खुश हैं, कुछ नहीं खुश हैं, हम लोग कुछ देखिए नहीं रहे तो खुश कैसे रहे, पहले रोड हम लोग के बने वो खुश हो जाएंगे पूरा जनता। एक चीज़ बताएं कि रघुवर सरकार दावा करती है कि हम क्षेत्र में पूरे राज्य में काफ़ी विकास किए हैं, विकास की गंगा बहाए हैं, आप उनके दावे को सही मानते हैं या गलत? हम कैसे देखें कि किया है नहीं किया, ऐसे हम लोग पहले रोड देखेंगे उसका बाद वोट देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। राज्य में विकास हुआ है कि नहीं? राज्य में भी कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि हम टीकर पंचायत के टीकर गाँव में हैं और हम यहाँ की जनता से कर रहे हैं जन की बात। यहाँ की जनता ने ऐलान कर रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी कि वोट का बहिष्कार होगा इस विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, आप बताइए आप वोट डालेंगे कि नहीं? नहीं डालेंगे सर, कैसे डालेंगे, जब हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है तो डालेंगे कैसे सर, जब हम लोग को आने जाने से असमर्थ हैं, हम लोग को जाने से बहुत तरह का दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हम लोग क्यों मुख्यमंत्री बनाया प्रधानमंत्री बनाए सर, जब हम लोग को खुद आने जाने से असमर्थ है हम लोग तो। आपके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कहते हैं कि हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, आपको लगता है कि वो जो दावे कर रहे हैं वो कहते हैं उसमें सच्चाई है? उसमें सच्चाई होगा सर, जहाँ का किए होंगे वो उस जगह पर वोट डालेंगे, हम लोग जगह देवे नहीं किए तो हम लोग कैसे डालें सर, से बात है ना, जहाँ किए होंगे वहाँ डालेंगे लोग, अब यहाँ का लोग कैसे डाले, मतलब हम लोग को कोई सुविधा नहीं है तो हम लोग तो बहुत तरह का दिक्कत है हम लोग के पास समस्या है। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जब आपको वोट डालने का मौका आएगा तो आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं, इस वर्ष वोट यहाँ से नहीं डाला जाएगा, इस वर्ष
रघुवर सरकार या यहाँ की विधायक या सांसद बिल्कुल फेलुअर हैं। यहाँ आते नहीं और आते हैं तो सिर्फ आश्वासन देते हैं, इसलिए उन लोगों को वोट दिया ही नहीं जाएगा और यहाँ से तो बहिष्कार रहेगा, बहिष्कार रहेगा। मतलब आप लोग विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। जब हम लोग को रोड बन जाएगा, अगले बरस यदि कोई सरकार बना देती है या प्रशासन बना देती है तो हम लोग वोट डालेंगे। एक चीज़ बताइए कि ये जो रघुवर सरकार दावा करती है कि हमने झारखंड में काफ़ी विकास किया है, झारखंड का चेहरा बदल करके रख दिया है, क्या उनके ये दावे झूठे हैं? उनके दावे जगह जगह पर झूठे भी हैं और जगह जगह पर सच भी हैं। कहीं पर उनका विकास है लेकिन किसी किसी दूर इलाके में जहां पर व्यवस्था पहले से बिगड़ा हुआ है वहां पर नहीं सुधारा गया है, इसलिए हम लोग की व्यवस्था सुधरेगा तभी वोट पड़ेगा यहां से, हम लोग वोट बहिष्कार में भी रहेंगे। ये बताइए कि रघुवर सरकार द्वारा आना चाहिए कि नहीं? रघुवर सरकार द्वारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब दोबारा रोड में नहीं जा रहे हैं बढ़िया रोड में तो क्यों दोबारा आवेंगे, उन्हें भी नहीं आना चाहिए। रघुवर सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए, आप बताइए रघुवर जी को दोबारा आना चाहिए कि नहीं? नहीं, दोबारा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? विकास नहीं कर रहे हैं, खास करके टिकर पंचायत पथलगड्डा रोड चतरा से लेकर के। तो अभी जब आपको वोट डालने का मौका आया है तो आप वोट डालेंगे कि नहीं? नहीं डालेंगे, बहिष्कार करेंगे, यहाँ का जनता सब पूरा बहिष्कार रहेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जो रघुवर जी दावा कर रहे हैं कि हमने झारखंड का बहुत मतलब विकास किया है, तो ये जो उनके दावे हैं वो गलत हैं? वो बिल्कुल गलत है, खाली जमशेदपुर के लिए विकास है, यहाँ के चतरा के लिए कोई विकास नहीं। जमशेदपुर रघुवर दास जी का गिर जिला है, लोगों का आरोप है कि जो विकास के दावे हैं वो, जो विकास की गंगा की बात हो रही है वो सिर्फ जमशेदपुर तक सीमित है। आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर के? हम लोग तो वोट बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि वोट नहीं डालना है किसी भी कीमत पे? नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का सरकार झारखंड का केवल विकास का दावा करती है लेकिन विकास करती नहीं है, केवल चुनावी ढकोसला है ये। चुनावी ढकोसला है। हाँ। एक चीज़ बताया कि अभी तो आपके रोड बनाए नहीं, कोई अगर जो भी उम्मीदवार है अगर आपको आके आश्वासन देता है कि हम आपका रोड बनवा देंगे, आप मुझे वोट दीजिए, तो वोट डालेंगे कि नहीं? अगर वो आश्वासन देते हैं तो हम भी केवल आश्वासन ही देंगे ना। मतलब नेताओं के आश्वासन पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, एकदम नहीं रहा। हर चुनाव में आश्वासन देते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद भी भूल जाते हैं, फिर इलेक्शन आता है उसके बाद आते हैं, अबर वोट दीजिए अबर आपका काम कर देंगे, वोट लेंगे फिर इलेक्शन आएगा उसके बाद आएंगे। झारखंड में विकास की गंगा बह रही है या नहीं बह रही? केवल यहाँ का प्रतिनिधि जो है पूरे झारखंड का अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, बाकी सुदूरवर्ती इलाकों में नहीं करते हैं। तो आपके जो प्रतिनिधि हैं, इससे पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद हैं, नगर परिषद के लोग हैं, जिला अध्यक्ष जो होते हैं वो हैं, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया हम लोग के लिए। यहाँ का जो विधायक है जेपी भोक्ता जी जो थे 2014 में वोट के समय आए थे, उसके बाद आज तक दोबारा नहीं आए हैं और न उनका चेहरा हम लोग देखे आज तक कि आते हैं क्षेत्र में या नहीं आते हैं, कोई अस्थायी ठिकाना भी उनका नहीं है चतरा में। तो विधायक जी वोट मांगने आए थे उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आए। ये बताइए कि आपको जब अभी वोट डालना है तो किसे वोट करेंगे? वोट मतलब वोट में मिलेगा ऐसे कि जिसका रोड बनाएगा उसे वोट मिलेगा। अभी तो आपको कोई भरोसा ही देगा ना कि अभी आपको हम रोड बनवा देंगे, अगर कोई भरोसा आपको देता है? देता है बनाता नहीं है। वोट में मिलेगा उसी के जो रोड बनाएगा उसी वोट मिलेगा। अभी वोट डालेंगे कि नहीं? अभी विधानसभा का चुनाव है, किसका डाले अंदाज़ कोई तैयार नहीं है। गांव वाले के साथ हैं आप? हाँ, गांव वाले के साथ हैं। वोट डालेंगे कि नहीं? हाँ हम डालेंगे, ये तो भूलते तो मर जाते हैं कि जंगल में अथी में, तो कहाँ ले जाएंगे हम, है कहाँ जरूरी है, नहीं ककरो नहीं लेना देना। रघुवर दास जी कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं। हाँ, विकास कर दल के नहीं देखे, ये सब बना दल के एकदम पूरा की
कायल बनाएगा वो, अगर बनाएगा तो वो नहीं करिए न करता तो कहबे न करती है जमीन कह कर क्या रहे थे, बोला कि हम करेंगे ये करेंगे फिर झाट कुछ कह है न बोल जा हाँ तो का। रघुवर दास जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है राज्य में, आपको लगता है कि उन्होंने जो दावे कर रहे हैं वो सही है? ना ना वो सही कार्य कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा जब हम तक रोड नहीं बनेगा तब तक का करेगा, अब धरियो है कि अब से आज से शुरू कर दे तो कम से कम तो बना दीजिए तो हम कल है दे देंगे हम लोग हाँ तो का। ये बताइए कि रघुवर दास को दोबारा सत्ता में आना चाहिए कि नहीं? अब आवेगा तो जखनी होगा तखनी बोलेंगे और का। आप बताइए वोट डालिएगा ना? क्या कहाँ वोट डालेगा, क्या कर में इसे बतावा पहले, वो तो आप डालिए जिसका मन है वो। ना हमारा रोड बना देवा ता डालबो और वृद्धा पेंशन करा देवा ता डालबो जा। ना हाथी वो बूढ़ा ना हाथी बता अभी तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तब? लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सबको मिल रहा है, कहन मिल रहा है, कहन मिल रहा है, वोट दीजिएगा कि नहीं आप इस बार? वोट दबो यही सत पर के रोड बना देवा वृद्धा पेंशन करा देवा तब, अगर आपको कोई कहेगा कि करवा देंगे भरोसा देगा तो कर देंगे करा के दिखा दो सबके मिल रहा है इनके कहन मिले था दिखाने के बाद हाँ तब दबो वोट। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।